अस्सलाम वालेकुम यूनिक मम्मा ऑफिशियल, कैसे हैं आप सब लोग और आज हम क्या बना रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह, ये हम अनियन कचौरी बना रहे हैं। ओके, डीप फ्राई नहीं करना हमने, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है और बजट का भी, ठीक है। ये हमारे पास है सूजी, 1 कप है सूजी और 2 कप है आटा, ठीक है, प्लेन आटा वाइट। ओके, जो भी घर में है वो ले ले। अनियन है 4 बड़े साइज के, अगर छोटे आप तो ज्यादा ले ले। ये बटर है हमारे पास, ये काली मिर्च, नमक और ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, ठीक है। और इसको गुनगुने पानी से गूंदना है हमने, हल्का नीम गरम पानी। गुनगुना पानी मतलब उर्दू में कहते हैं ना नीम, ऐसा मैंने भी सुना वाला। ओके, नीम गरम पानी। ओके, ठीक है, अब हम आपको उर्दू भी सिखाएंगे रोजाना, ठीक है। इसको हम गूंद लेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बटर डाल के। इसमें हमने नमक मिक्स किया है, कितना? थोड़ा सा, हाफ टी स्पून। ओके, ठीक है, अब ये सूजी मिक्स करेंगे और मिक्स कर लिया। इसको ये देखो इतना हल्का पानी है, यानी गरम गुनगुना जी। बस इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे और इसको रेस्ट देंगे। ओके, okay. और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए आप इसकी डो बनाएं, तब तक मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, तो प्याज हमारी चॉप हो चुकी है और दूसरी तरफ धनिया भी चॉप हो चुका है, ठीक है, और हरी मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं और कुछ। और ये हमारी डो की कंडीशन है और इसको हमने अब रेस्ट देना है 10 मिनट। चलिए, इसमें हमने डाली हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हमने 4 डाली है, साथ में इसमें हरा नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च और इसको मिक्स कर लेंगे, बस सिंपल, ठीक है। ओके, अभी हमने इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल और उस ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह डो में। जितने पोर्शन आपने करने हैं उतने कर लें, हमें 5 की जरूरत है। अब इन पेड़ों को हमने थोड़ा सा रेस्ट। हमारे 5 पेड़े रेडी हैं और इन पर कलौंजी की कोटिंग की जा रही है जो हमें कोरोना वायरस से भी बचाएगा। सबसे पहले तो ये सुन्नत नबवी है, जिसके पेट में कलौंजी के दाने होंगे उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, सुभान अल्लाह, ठीक है। और ये तिल शोशा के लिए हैं। हल्का सा इसको हम रोल करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा। वैसे भी ना ये रेसिपी ना रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है, जब पकोड़े खाने को दिल करता है ना प्याज वाले, और ये अभी भी चल जाएगी क्योंकि पकोड़े समोसे सब बंद है आजकल। हाँ, लेकिन रमज़ान में भी अच्छी लगेगी ना, बटर की कोटिंग। ये हमारा गया पेड़ा अंदर। पैन को गर्म करके हमने इसमें पेड़ा रख दिया ना अपना, अब फिर जब वो थोड़ा सा नीचे से कुक हो जाए, अब हमने इसको रख दिया है लो फ्लेम पे एयर टाइट होकर पकने के लिए। टैप 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 बटर,
और अब हम इसको पलट देंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। हमारी प्याज की कचौरी हमारे स्पेशल फैंस के लिए। और नम 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 नम, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ओके कहना है मैं भी। बस 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 बस, ठीक है ठीक है, हमें पता लग गया बहुत बल है इसमें। ओके अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर। लेकिन अब क्या पिया? नहीं बोले, अब आप बोल लें। नहीं नहीं।